नमस्कार, मैं हूं देवांशु। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2 मई को जो विवाद शुरू हुआ अभी तक खत्म नहीं हुआ। आज भी एएमयू के जो स्टूडेंट हैं वो धरना पर बैठे हुए हैं। फिलहाल जो मौजूदा जानकारी हमारे पास आ रही है उसके हिसाब से 2 हिंदूवादी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। छात्र लगातार एएमयू में प्रदर्शन कर रहे हैं और इसकी हलचल जो है कि बिहार में भी देखी जा रही है कि आज पटना यूनिवर्सिटी के छात्र थे और कई छात्र संगठन ने मिलकर पटना के कारगिल चौक पर एएमयू के छात्रों के पक्ष में कारगिल चौक पर प्रदर्शन में किया। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए डॉक्टर अरशद साहब, जो जनरल सेक्रेटरी हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉय एसोसिएशन के। 15 साल एएमयू में रहे हैं, करीब वहां छात्र भी रहे हैं और उन्होंने पढ़ाया भी है वहां के छात्रों को मेडिकल। आपका सबसे पहले लाइव सीरीज में स्वागत है। आप ये बताएं कि जो कुछ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो रहा है कितना सही हो रहा है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बिल्कुल अत्याचार हो रहा है। कौन कर रहा है अत्याचार? अत्याचार समझिए, वहाँ की जो सरकार है, यूपी की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों मिलकर, जो इनोसेंट स्टूडेंट हैं। 2 मई की जो घटना की मैं थोड़ा जानकारी आपको दे दूं, 2 मई को पूर्व निर्धारित प्रोग्राम था भूतपूर्व उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी का, उनको आजीवन सदस्यता देनी थी छात्र संघ के द्वारा, एएमयू स्टूडेंट यूनियन को। उस दिन छात्र संघ उनको आजीवन सदस्यता देने का पहले से प्रोग्राम था और वो प्रोग्राम तय था, और 2 मई को वो गेस्ट हाउस नंबर 3 पे, जहाँ पे ये घटना घटी उससे 100 मीटर की दूरी पे, ये वहाँ आके पहुंच चुके थे। 5 बजे का प्रोग्राम था, 2:30 बजे जनरली लोग पहले से आ जाते ठीक हैं। ठीक है, ये बातें, क्या कार्यक्रम था, उसके बाद क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, किस तरह से पुलिस द्वारा लाठी चार्ज हुआ, ये घटनाक्रम सबको पता है। मैं ये जानना चाहता हूं, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई वर्षों तक रहे, छात्र के रूप में भी रहे और वहाँ पे आपने छात्रों को पढ़ाया भी, तो क्या आप कभी वहाँ जिस उस हॉल में गए हैं जहाँ पे जिन्ना की तस्वीर थी? कई बार आना जाना हुआ है यूनियन हॉल में, जब छात्र जीवन में थे तब भी, और जब शिक्षक थे तब भी आना जाना हुआ। मेरा तो कभी ध्यान ही नहीं गया बहुत सी, ये चूंकि ये मेरा मानना था कि जब यूनिवर्सिटी 200 साल पुरानी है, ये 1875 में इसका कॉलेज बना और 1920 में स्थापना हुई इसकी यूनिवर्सिटी की, एएमयू की, तो मालूम है कुछ चीज़ें अंग्रेज के टाइम की होगी ही होगी, ये तो स्वाभाविक है, अंडरस्टूड है। कोई ध्यान नहीं किया कि कहाँ पे जिन्ना की फोटोग्राफ है, कहाँ नहीं है, कभी ना उस पर मालार्पण होता है। वो मेरा आइकॉन है ही नहीं, मेरा आइकॉन तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, जो हम जिसकी वजह से हम लोग हिंदुस्तान में रुके हैं, तो जिन्ना हमारे आइकॉन कहाँ से हो सकते हैं? तो ये बेकार का मुद्दा है, आरएसएस ने इस मुद्दे को उठाया है और सिर्फ अपने मतलब घटिया राजनीति का। ठीक है, एएमयू प्रशासन की तरफ से परमिशन भी मांगा गया था कि आरएसएस अपना शाखा खोलने चाहता है, लेकिन जब एएमयू प्रशासन ने मना कर दिया, उसके बाद बीजेपी जो सांसद थे अलीगढ़ के, उन्होंने पूरे मामले को लेकर चिट्ठी लिखा कि जिन्ना की तस्वीर क्यों है। फिलहाल आप ज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं बिहार के राज्यपाल को? बिल्कुल, अमोबा बिहार चैप्टर जैसे संज्ञान में लिया है, ये घटना घटी है, अब इमरजेंसी मीटिंग मैंने बुलाया अपने मेंबर के साथ अपने ऑफिस में, उसके बाद हम लोगों ने रिजोल्यूशन पास किया है कि जो भी घटना घटी उसकी हम लोगों ने कठोर शब्दों में निंदा किया है, और साथ साथ ये डिमांड किया इसके हाई लेवल जुडिशियल प्रोब हो, हाई लेवल इंक्वायरी हो, क्यों इनोसेंट बच्चे पर लाठी चार्ज किया गया, जो स्टूडेंट जाके हिंदूवादी संगठन, जो हिंदू रक्षा वाहिनी के जो गुंडे सो को लाए थे, नारा लगा रहे थे, नारा मैं दोहरा भी नहीं सकता हूँ इसलिए कि वो नारा बिल्कुल ऐसा मतलब अनएक्सेप्टेबल नारा है, और उसको हवाले किया पुलिस के, और उनके खिलाफ चूंकि अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर लेने किसी का अधिकार नहीं, वो इनोसेंट स्टूडेंट वो जा रहे थे वहाँ के थाने सिविल लाइन पे एफआईआर दर्ज कराने के लिए, एफआईआर दर्ज कराना सबका अधिकार है, उन्हीं को ऊपर लाठी चार्ज हो गया। लाठी चार्ज बहुत आखिर की चीज़ होती है, पहले टीयर गैस होता है, बहुत चीज़ होती है, अगर कुछ करते तो वो वायलेंस करते तब। और मेरे भूतपूर्व ये वाइस चांसलर हैं, इससे पहले आर्मी के पास थे, उन्होंने उसको लाठी चार्ज नहीं, लाठी अटैक का, मैं भी लाठी अटैक करता हूं। ठीक है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीते 2 मई के बाद क्या कुछ अभी तक हुआ है, ये ठीक है, मैं जो डिस्कशन करना चाहता हूँ, क्योंकि आप वहाँ छात्र थे, वहाँ ऐसा है कि वहाँ हिंदू भी छात्र हैं, मुस्लिम भी छात्र, दोनों छात्र पढ़ाई करते हैं, छात्रों का सेंटीमेंट जिन्ना के प्रति क्या है? एकदम निगेटिव है, जिन्ना के प्रति क्यों रहेगा? जिन्ना का भी वहाँ बहुत से लोग आते गए हैं, आजीवन सदस्यता जैसे मैंने बताया, एएमयू स्टूडेंट यूनियन आजीवन सदस्यता बहुत सी महान महान हस्तियों को दिया है उसने, मदर टेरेसा को दिया है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दिया गया है, सीवी रमन को, यहाँ जेपी को दिया गया है, हमारे बिहार से जो नेशनल लेवल के लीडर थे, इतनी बड़ी क्रांति लाया जिन्होंने, जेपी को दिया गया है, और राजेंद्र प्रसाद को दिया गया है, प्रथम राष्ट्रपति, बहुत सारी हस्तियाँ थी, मदर टेरेसा को दिया गया है,
तो आजादी से पहले भी यूनिवर्सिटी में, जैसे मैंने बताया आजादी से पहले की है, कब की है, उससे पहले ये आए होंगे 1938 में आगे दिया गया होगा, उस पर तो ना माल्यार्पण हुआ ना उनकी पूजा है। क्यों पूजा हम करेंगे, मेरे वो है ही नहीं आइकॉन, जिन्ना की पूजा क्यों करेंगे, क्यों करेंगे मैं, वो हमारे आइकॉन नहीं है, हमारे आइकॉन मौलाना अबुल कलाम आजाद है। उसके बाद उनको वो इतिहास है, एक मैं फिर बात बता रहा हूँ, जिन्ना एक इतिहास है, वो ये नहीं आस्था, नहीं आस्था कभी नहीं हो सकती है। ये आपकी व्यक्तिगत राय है या कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉय एसोसिएशन के बिहार चैप्टर की ये विचार, बिहार या पूरे दुनिया के अली बरादरी हर तरफ है, ये हमारे यहाँ पटना में हम बिहार चैप्टर के यहाँ सेक्रेटरी हैं, दुनिया के कोने कोने में हर तरफ से इस चीज़ का खंडन, इस चीज़ की घोषणा की गई है कठोर शब्दों में कि ये गलत चीज़ है और हमारे ऊपर उंगली उठाई जा रही है। ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सरकार की जो ये आउटफिट विंग है, RSS है, विश्व हिंदू परिषद है, उन लोगों की चाल है, ओझी राजनीति है, और इवन वहाँ के हमारे साथ पढ़े वैसे जितने हिंदू छात्र हैं और भी दूसरे धर्म के हैं, सब लोगों के बात से पूछिए इनके बारे में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदू छात्र भी पढ़ते हैं, मुस्लिम भी पढ़ते हैं, दोनों में आपसी सामंजस्य बहुत जबरदस्त रहता है, ऐसा पिछले बीते सालों में देखा है। कुछ ऐसे किस्से कुछ याद आ रहे हैं जो भी कुछ आपको तो साझा कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले लड़के अभी धरना पर बैठे हुए थे और जब जुमे की नमाज का टाइम हुआ तो उन्हीं के साथ के मित्र, उनके बैचमेट, हम लोग टाइम भी यही, ये जो धरना जो अभी चल रहा है, अभी चल रहा था 3 दिन पहले, जो साप्ताहिक हम लोगों की जुमे की जो नमाज होती है उसमें उनके बैचमेट लोगों ने, जैसे मेरे साथ मेडिकल में बैचमेट पढ़ रहे हैं, उनके साथ इंजीनियरिंग के, BA के, BSc के, BCom के साथ में, तुम नमाज पढ़ो मैं देखता हूँ कौन, उनकी सुरक्षा हमारे हिंदू भाई कर रहे हैं, तो इससे अच्छी मिसाल क्या होगी। हम AMU तो हमेशा से इस चीज के लिए, गंगा जमुनी तहजीब कहा गया उसको, गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम सबका मिशन। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक पुरानी इतिहास में बता दूं कि पहला ग्रेजुएट वहाँ के ईश्वरी प्रसाद हैं और पहले पोस्ट ग्रेजुएट अंबा प्रसाद हैं, ना कि कोई अगर ऐसा होता तो कुछ माइनॉरिटी से कोई होता, उसके पहले ग्रेजुएशन। और जिस जमीन पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो जमीन में से किसी हिंदू राजा, बिल्कुल कई डोनर्स थे हिंदू ने, लोगों ने भी दिया, कई डोनर्स थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, कई लोग थे, हिंदू लोगों ने, वहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं है, ऐसी कोई में किसी तरह की फीलिंग आई नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ RSS और BJP लोगों ने इस चीज को उजागर किया, जो वो भी वो उनकी भी शिकस्त होगी, पूरी उम्मीद है वो अपने काम मकसद में कामयाब नहीं होंगे, वो सब 2019 के इलेक्शन के लिए है, सरकार हर इस पे पिलर पे विफल हो। लेकिन ठीक है, लेकिन जिन्ना की तस्वीर को लेकर देश जो है अभी दो हिस्सों में तो बट ही रहा है जी, एक तबका चाहता है कि जिन्ना की तस्वीर वहाँ लगी रहे और दूसरा तबका चाहता है कि जिन्ना की तस्वीर नहीं रहे। जी जी जी, नहीं, तस्वीर लगाना उतारना हम लोगों के हाथ में नहीं है, संविधान से चलता है देश, किसी के हाथ में है, ये तो इतिहास है, मैंने बताया इतिहास की छेड़छाड़ करने वाले हम कौन होते हैं, कौन छेड़छाड़, इसके लिए बिल लाइए तो सबसे पहले जिन्ना की तस्वीर हम बंद करके हम एम्बेसी पहुंचवा देंगे और भी ज्यादा डिमांड करेंगे, और भी काफी कॉम्प्लिकेशन है, अगर वहां से तस्वीर हटानी भी है तो डायरेक्ट हट नहीं सकती, BC चाहे भी तो वहां से हटवा नहीं सकते, बहुत क्या कुछ, अगर आपको पूरी जानकारी है तो आप साझा करें। बिल्कुल, नहीं हटा सकते, बिल लाना होता है उसके लिए, इतिहास का पार्ट हो गया, मतलब इतिहास का पार्ट हो गया, 1947 से पहले की चीज हो गई, उसके लिए संसद में बिल आए, उसके अलावा बहुत सी ऐसी, उसके लिए शायद स्टूडेंट यूनियन स्टूडेंट यूनियन चाहेगा तो उसके लिए एक मीटिंग करेगा, जनरल बॉडी मीटिंग करेगा, एक डिबेट हो, उसके बाद फिर वोटिंग हो, बहुत लंबा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। कुछ भी हो जाए लेकिन जिन्ना की तस्वीर फिलहाल वहां से नहीं हटा सकते हैं, हटाना और समझिए कानून को हम लोग तोड़ने का काम करेंगे, इसलिए कानून तोड़ने का काम हम क्यों करेंगे, हम तो कानून वाले लोग हैं, हम तो चाहेंगे संविधान से देश चले, संविधान के हिसाब से हम पालन करें। ठीक है, अब आगे आप लोग कल मिलने वाले हैं, हम लोग अमोबा बिहार चैप्टर हर कदम के साथ है, AMU स्टूडेंट यूनियन के साथ है, बिल्कुल वहाँ के अध्यक्ष मशकूर अहमद उस्मानी जो बिहार से जिनका ताल्लुक है और वो BDS के छात्र हैं, बिहार दरभंगा से उनका, तो ऐसा क्या होता है कि मैंने देखा कि BDS के छात्र वहाँ पे बड़ा धमाका कर रहे हैं, मैंने देखा है वो सौभाग्य है, ऐसी बात नहीं, मेडिकल हो इंजीनियरिंग जो ऐसा कुछ नहीं हो, अलग सी बात, सब में टैलेंट है, सब बच्चों में, अभी तो यूनिवर्सिटी पर अटैक है, जब से ये 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, आप देखिएगा, आते ही JNU का विवाद हुआ, उसके बाद HCU है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हुआ, हर जगह BHU में हुआ, नहीं ठीक है, वो मैं उतना डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ AMU पर ही फोकस करना चाहता हूँ। कल आप लोग राज्यपाल से मिलेंगे, आपने एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई थी, आपका जो संगठन है अलीगढ़ मुस्लिम और ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, पूरा ये बिहार के छात्रों को, बिल्कुल बिहार के छात्रों की, क्या क्या अभी आपकी लगातार बात हो रही है अपने संगठन के लोगों से, जी जी। क्या सब कह रहे हैं? सब यही कह रहे हैं कि हम लोग सरकार से यही डिमांड करेंगे कि हाई लेवल इसमें इंक्वायरी हो, जो भी इसमें कल्प्रिट हो, जो हिंदू रक्षावाणी के, ठीक है, आज गिरफ्तारी हुई है, दो हिंदूवादी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी हुई, अभी की अपडेट है, ठीक है, इसको मैं ठीक है स्वागत करता हूँ इस चीज को, लेकिन छात्रों पे एक लाठीचार्ज के उसकी जाँच हो, लाठीचार्ज क्यों हो गया उसकी जाँच कराई जाए।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर जो देश में बताया जा रहा है उससे इतर भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ मुसलमानों की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ हिंदू भी पढ़ते हैं और दोनों जो हिंदू और मुस्लिम छात्र हैं उन दोनों के बीच में सामंजस्य भी बहुत अच्छा है, आपसी भाईचारा जिसे आप कह सकते हैं वो भी जबरदस्त है। लेकिन इन सब चीज़ों को अभी दिखाया नहीं जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है। अभी बस यही चल रहा है कि जिन्ना की तस्वीर वहाँ से हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए, इसको लेकर बहस हो रही है। जबकि जिस हॉल में वो तस्वीर लगी हुई है वहाँ पर कई लोगों की तस्वीर लगी हुई है।